हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज। दिस इज मी सादिया। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक और आईलाइनर का ट्यूटोरियल, जो कि होगा काशीज का ड्यूप, यानी कि काशीज का मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लैक जेट आईलाइनर। आप कैसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैं करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो करना क्या है, लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो आप कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। जो मैं ले रही हूँ सबसे पहले वो है हमारे पास चारकोल के ये वाले बॉल्स, यानी कि टैबलेट्स हैं। आप इसके कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, बहुत ईजिली जो है ना हर जगह पे अवेलेबल हैं। आपको ये लेना है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है इसकी ले रही हूँ 4 की। तो आप जितना भी बनाना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट जेल आईलाइनर उसके हिसाब से आप लें। और यहाँ पे जो है मेरे पास सेकंड चीज़ वो है हम ब्लैक आई शेडो यूज़ करेंगे। ब्लैक आई शेडो मैं इसलिए ले रही हूँ, और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है ब्लैक आई शेडो। ब्लैक आई शेडो क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो है मिक्स करना है इसके साथ, ताकि हमें इसकी जो ब्लैक जो कलर है हमें बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक आई शेडो है, चारकोल के कैप्सूल्स हैं, प्लस यहाँ पे मैं जो थर्ड चीज़ ले रही हूँ वो है हमारी वैसलीन। यहाँ पे मैं वैसलीन यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप ऑलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और एनी अदर ऑयल जो भी आपके लिए अच्छा हो, सूटेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर मैंने ये जो ले लिया है इसको लेके हमने किसी भी की हेल्प से कोई भी आप चीज़ ले लें जिसकी हेल्प से आप इसको चूरा चूरा कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ देती हूँ। तो ये देखें बहुत बारीक सा सफूफ इसका बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है ये ब्लैक शेड और इसको इसमें डाल देना है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट पैलेट है गाइस। ये देखें कितना ब्लैक कलर का ये है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वैसलीन। वैसलीन जो है मैं आपको बताऊँ हमने लेनी है इतनी सी। ठीक है, और इसको लेके हमने कर देना है मिक्स। तो गाइस यहाँ पे हो गया है ये डन। और अब जो है मैं इसको एक कंटेनर में निकाल के आती हूँ आपके सामने। अच्छा, मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये बना कैसे है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ये लिया है और अपने हैंड पे ही हम पैच टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाकई में अच्छा बना है कि नहीं। आप देख सकते हैं, देखें कितना अच्छा ये बना है। और मैं आपके साथ ना डेमो शेयर करती हूँ अपनी आईज पे भी लगा के। तो ये मैं हूँ मेरा एक एम्प्टी कंटेनर जिसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है ना इसमें ऐड कर दिया है, और ये जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मेरा आईलाइनर। ठीक है, ये मैंने कर दिया है और अब मैं आपके साथ डेमो शेयर कर रही हूँ। आईलाइनर जो मैंने लिया है और इसको लेके मैं अप्लाई करती हूँ इस पे। ये देखिए मैंने कर दिया है। वाओ, इट्स रियली वर्क गाइस। थोड़ा सा और लूंगी मैं। काश ये स्टाइल में ही आपके
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कर दिया है डन, और इसका लुक जो है ना कितना ज़बरदस्त आया, बहुत ही ब्लैक चैट ये आईलाइनर बना है। सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट सो प्लीज मेक श्योर गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियोस। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।